उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र की शुरुआत के बाद प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश ने एक गंभीर मसला उठाया। उन्होंने विशेषाधिकार हनन के मामले को सदन में रखा। दरअसल हाल ही में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी सर्किट हाउस में बैठक करने के लिए पहुंचे थे तो विधायक सुमित हृदेश और उनके समर्थकों ने ये कहकर हंगामा खड़ा किया था कि हल्द्वानी विधायक होने के नाते भी उन्हें बैठकों में नहीं बुलाया जाता। विधायक का आरोप था कि हल्द्वानी में बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसकी 12 बैठक अब तक हो चुकी है और 2 बार भी DPR तैयार हो चुका है, मगर 800 करोड़ की योजना की बैठकों के लिए एक बार भी स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक का बैठकों में होना जरूरी है। इसी क्रम में सुमित हृदेश ने विशेषाधिकार हनन का मसला उठाया है। कोई भी कालखंड हो उसमें अवश्य पीठ से निर्देश, जब भी ऐसा विशेषाधिकार हनन का मसला उठता है पीठ से निर्देश मिलते हैं। आज भी हमें पीठ से आश्वासन मिला है क्योंकि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी करी जा रही थी और जो नोडल एजेंसी ये UUSDA है इसने 12 बैठकें करी, 2 DPR इन्होंने बना दी और जिसमें सीवरेज और पानी पेयजल की करीबन 800 करोड़ रुपये की DPR बन गई और एक भी बैठक में सोचिए प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायक को इन्होंने आमंत्रण तक नहीं भेजा। तो तभी उस दिन जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे वो सारा प्रकरण आपके सामने, अन्य भी कुछ चीज़ें उस दिन ऐसी हो गई थी कि वहाँ मुझे अपना विरोधाभास प्रकट करना पड़ा। तो आज मेरे लिए भी और आदेश चौहान जी का जो मसला है वो और भी गंभीर है। उनको उधम सिंह नगर जिले की पुलिस फोर्स से और वहाँ से बड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने भी जो उल्लेख करा तो उसमें मैं पीठ से आश्वासन ही मिला और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि भविष्य में देखिए कोई भी बैठक अगर होती है विधानसभा में कहीं पर अध्यक्षता हमेशा विधायक की रहती है, ये पुराना नियम है, पुरानी प्रोटोकॉल है। तो पीठ से लगातार निर्देश आते हैं इस बारी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, उन्होंने अवश्य कहा है कि निर्देश भी मिले और निर्देश के बाद फॉलो अप भी हो ताकि भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो। अब बैठक में आमंत्रित करेंगे तो रहेंगे और नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिएगा, पीठ के निर्देश को भी अगर दरकिनार करा जाएगा तो दोबारा सत्र में या माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने प्रकरण को रखा जाएगा। इसी के साथ विधायक सुमित हृदेश ने सदन में कहा कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी विधायकों से कहा था कि अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास से जुड़े 10 अहम प्रस्ताव तैयार करें ताकि सरकार इन्हें धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ सके, जिसको लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने CM को टॉप 10 कामों से जुड़े प्रस्ताव पत्र भी सौंपे हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश की प्राथमिकता में पहले 3 काम ISBT, रिंग रोड और अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का निर्माण है। इन 3 बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही 2250 करोड़ की जरूरत है। बजट की ये स्थिति भी पुरानी है, वर्तमान में इनकी DPR में पुनः संशोधन होगा, उसके बाद बजट का ग्राफ और आगे बढ़ेगा। वहीं इसके अलावा हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई अन्य कामों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है। स्कूलों की मरम्मत, पेयजल सुविधा, जल भराव से निजात, सड़क, स्वास्थ्य से जुड़े काम भी इसमें शामिल है। अब देखना यह है कि सरकार विधायक के सौंपे प्रस्ताव पर आगे कितना बढ़ती है।